Dear students, assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Let's start our reading. Open your English book, page number 52. The Ambassador's Disguise. Words to know. Ambassador, an official of the highest rank, sent by one country to another as a representative. एक आला अहदेदार जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बतौर सफीर भेजा जाए. Boast, to praise or speak highly about yourself, अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बयान करना. Club, a heavy stick, एक भारी डंडा, with a thick end, जिसका किनारा पतला हो, used as a weapon, और जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो. Lens, a long, एक लंबा, wooden weapon, लकड़ी का हथियार, with a pointed steel head, जिसका सर लोहे का बना हो, used by horsemen, और जिसे घुड़सवार इस्तेमाल करते हैं. Tribute, a payment made by one ruler to another, एक ऐसी रकम जो एक हुक्मरान दूसरे को दे. Once in the palace of Vladimir, एक दफ़ा Vladimir के महल में, a great Russian prince of Kiev, रशिया का शहजादा कीव, all the nobles were making boasts, और सारे दानिश्वर बातें कर रहे थे. One noble boasted of his strength, एक अपनी ताकत के बारे में बता रहा था. Another showed off his wisdom, और दूसरा अपनी अकलमंदी के बारे में. Others boasted of their wealth on their trusted horses, और दूसरे अपनी दौलत और अपने वफादार घोड़ों के बारे में बता रहे थे. One noble, एक दानिशमंद, Stavr Gundinovich, said nothing at all, कुछ नहीं बोला. He sat with a dreamy look on his face, वो अपने चेहरे पर एक ख्वाबनाक तासुर लिए बैठा था. प्रिंस Vladimir noticed this and asked, शहजादे ने उसे देखा और पूछा, Why are you silent, Stavr? तुम क्यों चुप हो वजीर? Have you nothing to say? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? Great Prince, अजीम शहजादे, replied, Stavr, वजीर ने जवाब दिया, I have nothing. Great Prince, अजीम शहजादे, replied, Stavr, वजीर ने जवाब दिया, I have nothing to boast of except my wife, Katrina. मेरे पास अपनी बीवी कैटरीना के अलावा बताने के लिए कुछ भी नहीं है. शी इज़ यंग एंड ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत और जवान है. ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल दैन एनी वॉरियर हेयर, यहाँ मौजूद हर जंगजू से ज़्यादा काबिल और बहादुर है. शूट विद अ बो, जो तीर से शिकार करती है. सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, बुलबुल की तरह गाती है. एंड इनचेंट एवरीवन विद हर हार्प, और हर एक को अपनी मौसीकी से लुत्फानंदोज करती है. नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेस, और शतरंज में उसे कोई नहीं हरा सकता. इज दैट सो, इंटरप्रेट द प्रिंस, क्या वाकई ऐसा है? शहजादे ने पूछा. यस इन डेट, जी हाँ बिल्कुल, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड Stavr. Stavr ने जवाब दिया, शी कुड ईजीली डिफीट ऑल योर नोबल्स, एंड वो आपके सब दानिश्वरों को हरा सकती है. और पार्डन मी फॉर सेइंग सो, ये कहने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर, लेकिन आपके पास उसका कोई जोड़ नहीं है. द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री, शहजादे को बहुत गुस्सा आया. व्हेन ही हियर्ड दिस, जब उसने ये सुना, ही ग्लेयर्ड एट Stavr एंड सेड, यू हैव गॉन टू फार फॉर दिस टाइम, उसने वजीर को घूरा और कहा, तुम इस दफ़ा बहुत दूर चले गए हो. हाउ डेयर यू से डैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी बीवी के लिए मेरे पास कोई जोड़ नहीं है. द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट Stavr, शहजादे ने उंगली से वजीर की तरफ इशारा किया. एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड सेड, और अपने खादिमों की तरफ मुड़ते हुए बोला, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ. थ्रो हिम इन टू द डंगियन, और इसे तहखाने में डाल दो. गिव हिम ओट्स एंड वाटर एंड नथिंग मोर, नाउ गो, और इसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए जो दो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं. द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, खादिम ने वैसे ही किया जैसे उसे कहा गया था. ही थ्रू Stavr इन टू अ कोल्ड डार्क डंगियन, उसने वजीर को एक सर्द और अंधेरे तहखाने में डाल दिया. द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विथ थिक आयरन बार्स, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की जिसके आगे लोहे की बारीक सलाखें लगी हुई थी, वहाँ से रोशनी आ रही थी. हाई अप नियर द सीलिंग, जो कि छत के करीब थी. ऑल Stavr कुड सी वॉज द स्काई, वजीर सिर्फ आसमान को देख सकता था.
He sat on the cold stone floor feeling very sad. वो ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठ गया और वो बहुत उदास था. As night fell, जैसे ही रात हुई, Stever looked out of the window at the stars in the sky. वजीर खिड़की से बाहर आसमान पर सितारों को देखते हुए बोला, Alas, he thought to himself, उसने सोचा, I have served the prince for 9 years, मैंने 9 साल शहजादे की खिदमत की, and this is how he repays me, और उसने मुझे ये कैसा सिला दिया. I am sorry, I hurt the prince, मुझे इस बात का दुख है कि मैंने शहजादे को दुख पहुंचाया. But I only spoke the truth about my wife, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सच बोला. I hope someone tells Katrina where I am, मुझे उम्मीद है कि कोई कैटरीना को बता देगा कि मैं कहाँ हूँ. Katrina heard what had happened to her husband, कैटरीना को पता चल गया कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ है. She tried to visit him the following day, but the guards would not let her in. वो उसे मिलने के लिए गई लेकिन खादिमों ने उसे अंदर ना जाने दिया. So she thought of a plan to rescue him, तो उसने उसे बचाने के लिए एक प्लान बनाया. Katrina called together her band of 30 archers. Katrina ने अपने 30 तीर अंदाजों को इकट्ठा किया. 30 chess masters, 30 शतरंज के माहिर खिलाड़ियों को, and 30 musicians, और 30 मौसीकारों को. She told them she needed their help to rescue her husband, और उसने उन्हें बताया कि वो अपने शोहर को बचाने के लिए उसे उनकी मदद की ज़रूरत है. And they agreed to help her, और वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गए. The next day, Katrina got ready, अगले दिन Katrina तैयार हो गई. She wore a suit of armor with a helmet to cover her face. उसने जंगजू वाला सूट पहना जिसके साथ एक हेलमेट था जिसकी वजह से उसका चेहरा ढक गया था. She carried a bow and some arrows. उसने कमान उठाई और तीर उठाए. A club of steel and a long lance, और नेज़ा उठाया. Perched on her left forearm was a falcon. She mounted a tall black horse. अपने बाएं बाजू पर उसने एक बाज बिठाया और एक काले घोड़े पर बैठ गई. When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुँचे, she set off for the palace leading them, तो वो उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें महल तक ले गई. A short distance from the walls of the city, Katrina told her followers to wait, और महल से कुछ दूर Katrina ने अपने दोस्तों को रुकने के लिए कहा. She rode by herself into the city and went to the great hall of the palace, वो खुद ही अकेली शहर में गई और चलते चलते महल के सहन में पहुंच गई. All the people thought she was some great warrior, सब लोग यही समझ रहे थे कि वो कोई अजीम जंगजू है. Of course, यकीनन, no one guessed she was a woman, कोई भी नहीं पहचान सका कि वो एक औरत है. Katrina bowed to Prince Vladimir, Katrina शहजादे व्लादिमीर के सामने झुकी. I am the ambassador of the king of Greece, मैं शहजादे ग्रीस का सफ़ीर हूँ. She announced, उसने ऐलान किया. I have come to collect tribute from you, मैं आपके पास से खराज वसूल करने आया हूँ. If you refuse to pay, अगर आपने देने से इनकार किया. My army of 40,000 men attack your city, तो मेरी 40,000 फौजें आपके शहर पर हमला कर देंगी.